दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 9वें दिन भी जारी है। किसानों के इस प्रदर्शन में देश भर के किसान शामिल हो रहे हैं। वहीं आंदोलन में हरियाणा से आई महिलाओं ने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के उस बयान का विरोध जताया है, जिसमें उन्होंने किसानों के आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया था। बेश्रम मंत्री हैं जो ये हमारे को ऐसे पाकिस्तानी चीनी बता रही है, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हम किसान हैं तो किसान हमारी मांग कर रहा है, तो वो किसान हमारी मांग पूरी कर दो ना, ये सब छुट्टी हो जाएगी, हम क्यों बैठेंगे धरने पे, हमारे को बहुत सारे काम है और अब तो बिजाई भी चल रही है, हमारे को गेहूँ भी बोने होते हैं। भारतीय किसान यूनियन की पदाधिकारी महिलाओं ने मंत्री के इस बयान को शर्मनाक बताया और सरकार से किसानों की मांगे जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग भी की। तो हम चीनी पाकिस्तानी नहीं है, हम हरियाणा के हैं, किसान हैं, किसानों के बीच आके समझौता करें और किसानों के साथ बैठ के बातचीत करें। इन्होंने जो अलग अलग खेमे के बुलाने चाहे हैं वो बिल्कुल गलत किया है, उससे मैं तो सारा हमारा ये सोच रहे कि भी किसान भाई पार्ट जाएंगे, लेकिन हम किसान हैं, हम ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले किसान हैं, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, हम बड़े प्यार से और हिसाब से अपना शांतिपूर्वक धरना चलेगा, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक हमारा धरना चालू रहेगा। बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन पर विवादित बयान देते हुए प्रदर्शनकारी किसानों को चीन और पाकिस्तान का एजेंट करार दिया था। आप भी सुनिए मंत्री साहब ने किसान आंदोलन पर क्या कहा था। बदलाव की मांग करें और हम शहर से इसको स्वीकार करेंगे, लेकिन किसी चीज को कोई दवाई आप डॉक्टर ने आपको दी है, खाने को आप तैयार नहीं हो और ये कहते हो खाते ही मर जाऊंगा, ये फैसला करने का कैसे नहीं होता। आप किसान की बात नहीं है, किसान को नाम आगे करके बहुत सारे लोग जो हैं विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है या देश के दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करें। मोदी जो है कोई थोपे हुए राजा नहीं है, मोदी को भी जनता को मैंडेट। प्रदर्शनकारी किसानों में हरियाणा के मंत्री के इस बयान के खिलाफ गुस्सा है। किसानों ने साफ किया है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं और मांगे पूरी होने पर ही उनका आंदोलन खत्म होगा। दिल्ली से अनिल अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।